राधे राधे दोस्तों, शनिवार चुपचाप यहाँ डाल दे थोड़ा सा तेल, बनेंगे सारे बिगड़े काम, मिलेगी शनि दोषों से मुक्ति, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति, होगी सुख की प्राप्ति। शनि देव के कुप्रभाव से व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन पर शनि देव की कृपा होती है उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। व्यक्ति की कुंडली में 7.5 और 2.5 होने पर ये उसकी सफलता में बाधक बनते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग शनिवार के दिन काला कपड़ा, काले तिल, काली उड़द, शनि देव की पसंद की चीजें दान करते हैं। मगर यह सच है कि शनि देव आसानी से प्रसन्न नहीं होते, इन्हें खुश करने के लिए कई उपाय करने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सरसों के तेल से करने वाले कुछ ऐसे ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे व्यक्ति को हर कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को शनि देव के 7.5 धैया या अन्य दोषों का सामना करना पड़ रहा है, वह शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र पहने, शनि देव की पूजा के दौरान नीले या काले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग या लाल फूल का कतई प्रयोग ना करें। लाल रंग मंगल का परिचायक है और मंगल भी शनि के शत्रु ग्रह हैं। शनिवार की शाम को सूर्यास्त से पहले एक सरसों के तेल का दीपक बनाएं, दीपक में रुई की पाती लगाएं, हो सके तो दीपक में थोड़े से काले तिल भी जरूर डालें और एक लोहे की कील डालें। अब इस दीपक को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ के पास जला दें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करें, क्योंकि शनि देव की पूजा में दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पर पूर्व की तरफ मुख कर पूजा की जाती है, लेकिन शनि देव की पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और दीपक की बाती की लौ भी आप पश्चिम दिशा की तरफ ही करें। दीपक जलाने के बाद उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजन करते हैं, शनि देव उन पर कभी भी नाराज नहीं होते। इसके बाद हो सके तो वहीं बैठकर या फिर घर आकर शनि देव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम संसनिश्चराय नमः। मंत्र है ओम संसनिश्चराय नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या विवाह में कोई समस्या है, या दाम्पत्य जीवन में या किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है, या बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप यह उपाय करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, सीताराम जी, भगवान जी बजरंग बली और शनि देव को प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को 41 दिन करने का संकल्प लें। आप शनि देव की 7.5 और 2.5 के प्रभाव को भी शुभ बनाने के लिए इस उपाय को 41 दिन करने का संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप हर शनिवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। अगर आप 41 दिन का उपाय करने का संकल्प ले रहे हैं, तो भी पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें और रविवार के दिन भी यह उपाय ना करें, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं किया जाता। और ध्यान रखें, यह उपाय आपको शनिवार को सूर्यास्त होने से पहले ही करना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है और सूर्यास्त के बाद यह उपाय करने से आपको नुकसान होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद दीपक से आती ना लें, और दीपक जलाते समय अगर हाथ में सरसों का तेल लग गया है तो उसे अपने बालों पर या शरीर पर ना लगाएं, उसे आप कपड़े से पोंछ दें या कागज से पोंछ सकते हैं। और ध्यान रखें, पीपल वृक्ष का स्पर्श भी ना करें।
यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, यह उपाय शास्त्रों में बताया गया है। और हमारे शहर में एक बहुत बड़ा शनिदेव का मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत ही विद्वान पुजारी जी हैं। वह पुजारी जी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यही उपाय बताते हैं। इस उपाय के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने आचरण को सही रखें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी का अपमान ना करें, कोई गलत कार्य ना करें, चोरी ना करें, किसी की बुराई ना करें, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। अगर आप बुरी कर्म करेंगे तो उसका आपको बुरा ही फल मिलेगा, इसलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शुभ कर्म करें, जिससे आपका जीवन भी खुशहाल बन सके। और साथ ही अगर आपके शहर में भी शनि देव का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आप सेवा जरूर करें। सेवा का मतलब है मंदिर में झाड़ू लगाएं, मंदिर की सफाई करें और मंदिर के कार्यों में मदद करें। इसके साथ ही अगर हो सके तो अपने घर में शमी का वृक्ष अवश्य लगाएं और शमी के वृक्ष की देखभाल करें। शमी का वृक्ष भगवान शनि देव को अति प्रिय है और जिस घर में शमी का वृक्ष होता है उस घर के सभी लोगों पर शनि देव की कृपा होती है। इसके अलावा दुर्भाग्य अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, भाग्य संबंधी बाधाएं हैं, शनि देव आप पर प्रसन्न नहीं है, या आपको नजर संबंधी दोष है या राहु केतु से संबंधित भी कोई दोष है, तो शनिवार के दिन आप स्नान करके काले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक कटोरी में सरसों का तेल लें, इस तेल में अपना चेहरा देखें और शनि देव से प्रार्थना करें कि वह आपके दुर्भाग्य को दूर करें, आपको सभी दोषों से मुक्ति दिलाएं और आपको जीवन में सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आप इस कटोरी के तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ध्यान रखें कि यह दान आपको शनिवार के दिन ही करना है। अगर आप अपने हाथ से नहीं कर सकते तो आप किसी और व्यक्ति के हाथ से भी यह दान करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी छाया ना देखे। इस तरह दान करना छाया दान कहलाता है। इस तरह दान करने से भाग्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। और शनि देव की कृपा से सभी दोषों से राहत तो मिलती है, साथ ही जीवन में भी सफलता मिलती है। इसके साथ ही राहु केतु संबंधित दोषों में भी शांति मिलती है। जैसे नजर उतारी जाती है, झाड़ा लगाया जाता है, इसी तरह छाया दान किया जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर से सारे बुरे प्रभाव हट जाते हैं। और अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो छाया दान अवश्य करना चाहिए, इससे रोगों से भी जल्दी मुक्ति मिलती है। तेल का दान करने के बाद आप कटोरी को साबुन से धोकर साफ कर लें और हाथों को भी साफ कर लें, जिससे तेल आपके हाथ पर ना लगा रहे। हो सके तो इस उपाय को आप हर शनिवार को करें, जिससे आपको कष्टों से जल्दी ही छुटकारा मिल सके। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि कटोरी भरकर ही आप तेल लें, आप बस इतना तेल ले लें जिसमें आपका चेहरा दिख जाए। आप पात्र की तली में भी थोड़ा सा तेल ले सकते हैं। और ध्यान रखें पीरियड के दौरान महिलाएं ये उपाय ना करें। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि चालीसा और शनि मंत्रों का जाप करें। हो सके तो काले घोड़े की नाल का छल्ला अपने मध्यमा उंगली में पहने, या फिर आप शनिदेव के मंदिर में जाकर भी लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं या आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, या आपको कोई अज्ञात भय सताता है, या कोई है जो आपका बुरा चाहता है, या कोई है जो आपके बनते कामों को भी बिगाड़ देता है, तो आप अपने सभी शत्रुओं को शांत करने के लिए, अज्ञात भय को दूर करने के लिए और साथ ही शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए शनिवार की शाम को घर के सभी सदस्यों की रोटियां सिकने के बाद आखिर में एक मोटी रोटी बनाएं। ध्यान रखें रोटी आपको साफ आटे से ही बनानी है और आटे में नमक या और कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप रोटी को हाथ में लेकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं।
क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी शनि देव हैं। अब इस रोटी पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। तेल आपको ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि रोटी पर से तेल गिरना नहीं चाहिए। रोटी पर तेल लगाने के बाद आप शनि देव से प्रार्थना करें कि वह सभी शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाए और आप पर प्रसन्न हो। इसके बाद इस रोटी को आप अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस रोटी को अपने सिर के चारों तरफ क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अब इस रोटी को ले जाकर आप किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो कोई ऐसा कुत्ता हो जिसके ऊपर काले रंग के स्पॉट हो, धब्बे हो, आप उसको भी खिला सकते हैं। अगर ना हो तो आप शनिदेव से कहकर क्षमा मांगकर कि कोई काले रंग का कुत्ता नहीं मिल रहा है, आप सादा किसी दूसरे रंग के कुत्ते को भी यह रोटी खिला सकते हैं, पर आप अपने घर के कुत्ते को यह रोटी ना खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आके सबसे पहले अपने हाथ धो लें। इस उपाय को कम से कम 7 शनिवार को अवश्य करें। इस उपाय को करने से शनि देव के प्रकोप से बचने के साथ साथ शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। शनि देव की कृपा से शत्रु शांत हो जाते हैं और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको शनिवार की रात को ही करना है और रोटी भी आपको रात को ही खिलानी है। रोटी उतार कर रख ना दें कि अगले दिन खिला देंगे, ऐसा ना करें। और आप सरसों के तेल के कोई भी उपाय करें, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सरसों का तेल साफ होना चाहिए, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी ऐसा कुछ भी मिला ना। और इसके साथ ही आप शनिवार के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, मदिरा आदि का सेवन ना करें। हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और तंबाकू सिगरेट का भी सेवन ना करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।